नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्य रॉय और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए और एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न शूटिंग स्टार के बारे में बात करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को शूटिंग स्टार बियरिश पैटर्न के बारे में बताऊंगा। शूटिंग स्टार बियरिश पैटर्न कैसा दिखता है, कब फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन के बाद चार्ट पे आप लोग क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सब के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद करूंगा थोड़ा बहुत ट्रेडिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ करके, और उसके साथ यूज़ करेंगे कुछ दूसरा इंडिकेटर्स, और आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेडिंग कर सकते हैं डे टू डे, एंड कैसे ये सब जो पैटर्न्स हैं, शूटिंग स्टार हो गया या तो हैमरिंग मैन हो गया, ये सब जो पैटर्न्स हैं, ये सब को कैसे हम लोग और बेहतरीन तरीके से अपने ट्रेडिंग जो रिजल्ट है उसको एनहांस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले शूटिंग स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है? इसमें आप लोगों को सिंपली यही दिख रहा है कि एक बुल मार्केट है, आप लोग देख रहे हो एक के बाद एक जो प्रोग्रेशन है वो अपवर्ड ट्रेंडिंग है, मार्केट बुलिश है, और एक जगह के बाद जाके यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो रहा है, रेड कलर का एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहा है जिसमें एक शॉर्ट बॉडी और लॉन्ग ट्विक है। ठीक है, ये एक उल्टा हथौड़ा जिसको हम लोग हिंदी में नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं, और उसके बाद आप लोगों को दिख रहा है जो बुल मार्केट था वो धीरे धीरे चेंज होके डाउनवर्ड ट्रेंड पकड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि शूटिंग स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये फॉर्म होता है कोई भी बुल मार्केट के ऊपर, जब मार्केट बहुत देर तक बुलिश था, उसके बाद जब आपको ऐसा एक कैंडलस्टिक फॉर्म होते हुए दिखेगा, इसका मतलब यही है कि मार्केट अभी बेयरिश होने वाला है, इसका मतलब यही है कि प्राइस अभी फॉल होने वाला है, इसका मायने यही है कि सेलर्स अभी मार्केट को कंट्रोल करेंगे, और इसका मतलब यही है कि आप लोगों को डाउनवर्ड ट्रेड ओपन करना है जब आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो। ठीक है, तो आप लोगों को मैं थियरी दिखा दूं। थियरी बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे जो लोग हिंदी, जिन लोगों को उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता उन लोगों के लिए भी हेल्प हो जाएगा। तो शूटिंग स्टार इज़ द सिंपल शेप ऑफ एन इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, शूटिंग स्टार जो पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर जैसा ही शेप है, बट इट इज़ फॉर्म्ड इन एन अप ट्रेंड, मतलब एक अप ट्रेंड पे फॉर्म होता है। अप ट्रेंड मतलब जब बुलिश मार्केट हुआ उसके बाद शूटिंग स्टार फॉर्म होता है विथ स्मॉल बॉडी, छोटा बॉडी रहता है लोअर पार्ट में, और अपर ट्विक इसका लॉन्ग रहता है। ठीक है, तो ये रहा सिंपल सा चीज़, आप लोग देख रहे हो जब बहुत देर कैंडल स्टिक, मतलब आप बोल सकते हो कि जब बुल मार्केट रहा उसके बाद जब ऐसा पैटर्न दिखता है तब ट्रेडर्स लोग या आप मैं ये अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट अभी फॉल करेगा और देयर इज अ चेंज विच वी कैन एक्सपेक्ट इन द होराइजन। तो ये रहा शूटिंग स्टार, आप लोग देख लीजिए बढ़िया से इस कैंडलस्टिक पैटर्न को, बहुत ही महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न है और बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा जब आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ये रहा शूटिंग स्टार का डेमोन्स्ट्रेशन, अभी चलेंगे करेंगे थोड़ा लाइव ट्रेडिंग, और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग बढ़िया ट्रेड कर सकते हैं यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस, और आज कुछ दूसरा इंडिकेटर मैं यूज़ करूंगा आप लोगों के सामने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ साथ। पहले लाइंस लेके आ जाते हैं और उसके बाद अभी देखेंगे कि कौन सा इंडिकेटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पैराबोलिक सार, और उसके साथ हम लोग यूज करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। पैराबोलिक सार और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दोनों को साथ में यूज करेंगे, और यहाँ पे कलर को थोड़ा चेंज कर देते हैं। यह रहा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का जो
पैटर्न है वो आ चुका है, ये है पैराबोलिक सार। पैराबोलिक सार रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में चैनल में बहुत सारा वीडियोस है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को विजिट कीजिए और नीचे आप लोगों को स्पेसिफाइड वीडियोस ये सब इंडिकेटर्स के बारे में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे सपोर्ट लेवल लूँगा, ये मानते हुए कि चार्ट यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड जाएगा और 4 मिनट का एक ट्रेड $150 का निवेश, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यहाँ पे ओवर सोल्ड रीजन के तरफ बढ़ रहा है और जो पैराबोलिक सार इंडिकेटर है वो भी ऊपर से नीचे की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। और मेन बात यह है कि GBP USD इस टाइम में अभी डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, तो इसीलिए 4 मिनट का मैंने निर्णय लिया। अभी एक काम कर सकते हैं, एसेट रिव्यू कर सकते हैं, एसेट में क्या है आप लोगों के लिए ये भी हम लोग देख सकते हैं। ये रहा GBP USD, GBP USD में आप लोगों को दिख रहा है, 1 घंटा 10 मिनट में भी हम लोग जाके देख सकते हैं। ये रहा 10 मिनट, एक्सपेक्टेड फॉल दिखा रहा है इस टाइम में, 7:42 का टाइम है, 6 तारीख का डेट है, तो इस टाइम में अभी आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये वीडियोस जो है एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे सकूँ कि कैसे आप लोग ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप लोग इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये सब जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं ये सब को यूज़ करके कैसे आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। तो वीडियोस को बढ़िया से देखिए, वीडियोस को देख के रिलेट करने का कोशिश कीजिए जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो डेमो अकाउंट पे। जब आप खुद रिलेट करना सीख जाओगे, जब आप ये सब चीज़ करना सीख जाओगे जो प्लेटफॉर्म में जो जो जगह है जिसमें आपको हेल्प मिल सकता है, देन यू विल ऑल्सो रॉक। ये एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि जब आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आपको क्या करना है बेसिकली, तब आपको हर एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा और आप बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग भी कर पाओगे। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है बहुत ज़्यादा पेशेंस का। जितना ज़्यादा पेशेंस है एक ट्रेडर के पास, उतना ही बढ़िया ट्रेडर वो माना जाता है। और अभी आप लोग देख रहे हो $150 का इन्वेस्टमेंट, $18 का यहाँ पे सेल प्राइस, $27 का सेल प्राइस, 1 मिनट 36 सेकंड का टाइम बचा हुआ है और अभी भी कोई चेंजेस मुझे पैटर्न पे नहीं दिख रहा है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग ड्रैगन ट्रेड भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन पहले ये ट्रेड को एक्सपायर होने देंगे, ये ट्रेड को देखेंगे कि वाकई में यहाँ पे स्ट्रेंथ है डाउनवर्ड ट्रेंड में या नहीं है। जब स्ट्रेंथ हम लोगों को समझ में आएगा तभी जाके हम लोग यहाँ पे और ट्रेड ओपन कर सकते हैं। एक डाउनवर्ड ट्रेड मैंने ओपन कर दिया, फिर से इंटरनेट थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से ठीक नहीं है मेरे यहाँ पे, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया इस पे, बट नो प्रॉब्लम, यहाँ पे वेट करेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है। बेसिकली 1 मिनट का एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ओपन किया है GBP USD पे, ड्रैगन ट्रेड डाउनवर्ड मूवमेंट का मैंने ट्रेड ओपन किया था। लेट्स वेट एंड वॉच एंड सी कि यहाँ पे क्या फाइनली हम लोगों को क्या यहाँ पे मिलता है। आप लोग देख रहे हो कि जो पैराबोलिक सार है, पैराबोलिक सार अचानक थोड़ा बहुत डिविएट करके नीचे नहीं पूरा इंडिकेशन देके ऊपर की तरफ इंडिकेशन दिया है, दैट इज़ काइंड ऑफ नॉट वेरी गुड। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों का दोनों ट्रेड 13 सेकंड और 17 सेकंड के टाइम फ्रेम के बीचों बीच रुका हुआ है और बहुत ही एक क्रिटिकल मोमेंट यहाँ पे हम लोगों को दोनों पे ही लॉस मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रेड ओपन कर सकते हैं। अगला ट्रेड मैं देखूंगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, या तो हम लोग दूसरा चार्ट्स थोड़ा देख सकते हैं। GBP USD पे ही ट्रेड करना है ऐसा कुछ बात नहीं है, हम लोग यूरो USD पे चले जाते हैं। यूरो USD भी डाउनवर्ड ट्रेंड है, बट
इंडिकेशंस उतने क्लियर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिटकॉइन पे चले जाएंगे। लिटकॉइन इज़ नॉट सो बेनिफिशियल एट दिस पॉइंट इन टाइम। बिटकॉइन पे देखेंगे 74% का प्रॉफिट है। बिटकॉइन अपवर्ड मूवमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिटकॉइन अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लेवल लिया है और यहाँ पे मैं ट्रेड ओपन किया हूँ $250 का, 2 मिनट का टाइम फ्रेम बिटकॉइन पे। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं ड्रैगन ट्रेड करूँगा, क्योंकि पुराना जो दो ट्रेड है वो दोनों ट्रेड मुझे लॉस हुआ है, और लॉसेस को रिकवर करने के लिए $200 का यहाँ पे लॉस हुआ है, और लॉसेस को रिकवर करने के लिए मुझे ड्रैगन ट्रेड करना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है कि आई हैव टू, लेकिन यहाँ पे चांसेस है तो हम लोग कर सकते हैं। चार्ट्स फेवर में होगा तो हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कि ये ट्रेड बेसिकली कैसा जाता है। 2 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने चूज़ किया था पुराने ट्रेड के लिए, तो 2 मिनट का भी ट्रेड ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कैंडलस्टिक को एक्सपायर होने देंगे, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे ड्रैगन ट्रेड हम लोग ओपन कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि चार्ट जो है, चार्ट अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये बहुत बड़ा डिप था, बहुत ही बड़ा डिप था यहाँ पे। उसीलिए मैं और कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ वेट करूँगा 54 सेकेंड्स का टाइम। आप लोग देख रहे हो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा बहुत दूसरा तरह का इंडिकेशन दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ पे सेलर्स भी सेल कर रहे हैं, बायर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके मार्केट को वो लोग कंट्रोल करें। बट दिस इज़ अ स्ट्रगल विच हैपन्स बिटवीन देम एवरी टाइम, तो इसके बीच में नहीं पड़ना है, आराम से वेट करेंगे। 26 सेकेंड्स का टाइम बचा हुआ है बिटकॉइन का, जो ट्रेड मैंने ओपन किया था, ये ट्रेड को पहले देख लेंगे, उसके बाद ही अगला ट्रेड हम लोग ओपन करेंगे। ट्रेड को एक्सपायर होने देते हैं, उसके बाद हम लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पे और ट्रेड ओपन कर सकते हैं या नहीं। 10 सेकेंड का टाइम, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 3 सेकेंड का टाइम चार्ट फेवर में नहीं है, और यहाँ पे भी शायद हम लोगों को लॉस का सामना करना पड़ा। तो टोटली यहाँ पे $450 का मुझे लॉस है बिटकॉइन पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। नाउ ऐसा एक चार्ट ढूंढना है जहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट जो है बहुत ही क्रिटिकल मूवमेंट दिख रहा है मुझे। यहाँ पे मैंने $250 का एक ट्रेड ओपन करने का प्रयास मैं करूँगा, वेट करते हैं थोड़ा, जो है कि $250 का जो ट्रेड मैंने अभी 1 मिनट ओपन किया और फिर मैंने अपना स्क्रीन को रिफ्रेश किया, देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। बेसिकली 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैं लिया हूँ, और यहाँ पे चार्ट जो है, चार्ट लगातार ऊपर बढ़ते हुए, एंड यहाँ पे हम लोग के पास कुछ चांसेस हो सकता है जहाँ पे हम लोग ट्रेड ओपन कर सकते हैं GBP USD पे 1 मिनट का ड्रैगन ट्रेड, ठीक है। आप लोग देख रहे हो कि मैं ड्रैगन ट्रेड इसीलिए यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, इसका कारण यह है कि देर इज़ ए स्विफ्ट चेंज, बहुत धमाकेदार एक चेंज हो रहा है, जिस चेंज को पकड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे ड्रैगन ट्रेड कर रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं। ड्रैगन ट्रेड का मतलब यही है, और ये रहा हम लोगों का प्रॉफिट इस ड्रैगन ट्रेड से। अगला ड्रैगन ट्रेड भी मैं ओपन करने का कोशिश करूँगा, लेकिन अभी थोड़ा वेट करते हैं, अभी भी टाइम नहीं हुआ है। यूरो USD यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, 5 सेकेंड का टाइम बचा हुआ है GBP USD में, 1 सेकेंड, और यहाँ पे और एक ट्रेड मैंने $350 का ड्रैगन ट्रेड ओपन किया है अपवर्ड डायरेक्शन पे, और चार्ट यहाँ पे कुछ अलग नज़ारा दिखा रहा है हम लोगों को। ऑलरेडी आप लोगों ने देखा कि करीब करीब $450 का मेरा यहाँ पे लॉस था, जिसमें से मैंने $205 मुझे रिटर्न आए, इन द सेंस मैंने इस ट्रेड पे कमाया, मतलब $245 का अभी भी मुझे एक लॉस है, ठीक है। तो जब तक ये रिकवर नहीं होता है तब तक हम लोग
कुछ आगे बढ़ नहीं सकते हैं। $245 का लॉस है जिसको रिकवर करना है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। जीबीपी यूएसडी 16 सेकेंड, $73, $38 का सेल प्राइस है और यहाँ पे 7 सेकेंड का कैंडल स्टिक बचा हुआ है, 6 सेकेंड का ट्रेड टाइम बचा हुआ है। रिस्क आप देखिए कि कितना बड़ा यहाँ पे रिस्क मैंने लिया, और ये रिस्क हम लोगों को जो लॉसेस थे लॉसेस रिकवर करने में हेल्प किए। $245 का मेरा लॉस कैलकुलेटेड था, जहाँ पे मुझे फाइनल ट्रेड पे $287 का टोटल प्रॉफिट आया। इसका मतलब यहाँ पे मैंने $43 के आसपास कुछ कमाए एक्स्ट्रा, जो कि मेरा इस ट्रेड का आप लोग प्रॉफिट बोल सकते हो। जो भी है, ये ट्रेड मैं आप लोगों को प्रॉफिट या लॉस कैसे रिकवर किया जाता है या प्रॉफिट मैं कितना करता हूँ इसके बारे में नहीं था। ये ट्रेड बेसिकली था कि एज ए ट्रेडर आपको ये सब टाइम आपके ट्रेडिंग करियर में भी आएगा, जब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना है लॉसेस रिकवर करने के लिए। तो जितना बेटर आप सोच सकते हो, जितना बेटर आप अपना दिमाग लगा सकते हो प्रैक्टिस के द्वारा, जितना बेटर आप समझ सकते हो ये सब ट्रेंड को, तब जाके आप भी यहाँ से बाजी मार के निकल सकते हो, मतलब आप भी यहाँ से बढ़िया रिजल्ट लेके निकल सकते हो। ये रहा पहला ट्रेड, आप लोग देख रहे हो 1, 2, 3, 4 लॉस, उसके बाद 2 ट्रेड हम लोगों ने प्रॉफिट किए और यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा जो है जो लॉसेस थे लॉसेस हम लोगों ने रिकवर कर लिए और वी हैव मेड गुड प्रॉफिट आउट ऑफ दिस ट्रेड। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के लिए और एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियो। आशा करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखोगे, समझोगे एंड यू गाइज विल स्टार्ट स्पॉटिंग सच पैटर्न्स इन योर डे टू डे ट्रेडिंग। और एज ऑलवेज हॉरिजेंटल लाइंस, जो कि आप लोगों को ज़्यादा पसंद है, उसको भी लेके मैंने आप लोगों के लिए ट्रेडिंग किया, दिखाया टाइम फ्रेम्स, मनी मैनेजमेंट कैसे कैलकुलेशन एक साथ करके हम लोग रिकवर कर सकते हैं, ये सब भी बताया। तो मुझे आज्ञा दीजिए, आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना मत भूलिए, मेरा सिक्योर ट्रेडिंग ग्रुप है, ओपन ग्रुप ज्वाइन कीजिए। मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।